Hello students, I'm Ruchika from successseries.net. Today we're going to discuss the Vidya Lakshmi portal. Under the Vidya Lakshmi portal, you can apply for multiple education loans using a single window platform. India mein jitne bhi banks hain jo alag alag tarah ke education loans dete hain, ab agar aapko ek se zyada bank ko apply karna hai, aapko alag alag bank ke paas jaakar apna application form nahi fill karna padega. आप एक सिंगल विंडो यानी कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर अपनी डिटेल्स डालकर सभी बैंक्स को एक ही जगह से अप्लाई कर सकते हैं. लेट अस सी अ वॉक थ्रू ऑफ दिस एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑफ विद्या लक्ष्मी पोर्टल. सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ विद्या लक्ष्मी पोर्टल, vidyalakshmi.co.in. तीन आसान से स्टेप्स हैं जिसमें कि आप एक ही जगह से सारे बैंक्स के एजुकेशन लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. स्टेप वन है रजिस्टर करना है, स्टेप टू में आपने एक सिंगल फॉर्म को फिलअप करना है और स्टेप थ्री में आप जिन जिन बैंक्स को अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम दिए गए हैं उन सभी बैंक्स के थ्रू टू विच यू कैन अप्लाई थ्रू दिस विद्या लक्ष्मी पोर्टल. बैंक्स हैं कोटक महिंद्रा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, देन देयर इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक. तो ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में उन सभी के एजुकेशन लोन्स के लिए आप एक सिंगल पोर्टल द्वारा अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट अस सी द फर्स्ट स्टेप टू रजिस्टर. ये विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आप अपनी डिटेल्स डालकर रजिस्टर कर सकते हैं. सबसे पहले अपना टाइटल चूज करेंगे, देन यू विल गिव इन योर फर्स्ट नेम. अगर आपका कोई मिडिल नेम है जो कि आपकी मार्कशीट्स में गिवन है वो आप यहां पर डाल देंगे. देन यू विल गिव योर लास्ट नेम. Then you will give your mobile number. Then you will give your email ID. फिर आप अपना कोई भी पासवर्ड डालेंगे. You will confirm the password by typing it again. फिर आप ये कैप्चा कोड जो गिवन है यहां पर डाल देंगे. ये केस सेंसिटिव होता है तो कैपिटल लेटर्स कैपिटल में आएंगी और स्मॉल लेटर्स स्मॉल केस में आएंगी. वंस यू हैव फिल्ड दिस फॉर्म यू हैव टू रीड द एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस. जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी विद्या लक्ष्मी पोर्टल की. आप एक बार इन सबको पढ़ लें. वंस यू हैव गॉन थ्रू दीज टर्म्स एंड कंडीशंस देन यू विल टिक ऑन दिस बॉक्स एंड क्लिक ऑन सबमिट. तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई है जिसमें एक एक्टिवेशन लिंक भेजा गया है आपकी ईमेल आईडी पर जो कि 24 आवर्स तक वैलिड है, जिसमें आपने एक बार अपनी ईमेल द्वारा उस एक्टिवेशन लिंक को खोलकर अपने अकाउंट में लॉगिन करना है. नाउ व्हेन यू विल ओपन द एक्टिवेशन लिंक इन योर ईमेल देन यू विल गेट सच अ विंडो दैट यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन विद्या लक्ष्मी पोर्टल. आपका स्टेप वन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है. यू हैव टू क्लिक हियर टू लॉग इन टू योर अकाउंट. Now, ये हमारा अकाउंट का लॉगिन है. यहाँ पे हम वही ईमेल आईडी डालेंगे. देन आई विल एंटर माय पासवर्ड. फिर से हम ये कैप्चा टाइप करेंगे. अगेन केस सेंसिटिव है. देन आई विल क्लिक ऑन लॉगिन. तो अब यहां से हमें एक नई विंडो मिल गई है. जो हमारा अकाउंट है ये ओपन हो गया है. यहाँ पर हम सारी लोन स्कीम्स देख सकते हैं, क्या क्या एजुकेशन लोन स्कीम्स अलग अलग बैंक्स दे रहे हैं. यहाँ पर आप अपनी एक फोटोग्राफ भी अपलोड कर सकते हैं जो कि 200 केबी से कम की होनी चाहिए. नाउ लेट अस सी द लोन एप्लीकेशन फॉर्म. दिस इज द स्टेप टू ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस. बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म हमें ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है. जिन भी डिटेल्स पे ये एस्ट्रिक मार्क होगा वो कंपलसरी है, उन्हें भरना जरूरी है. इस एजुकेशन लोन के एप्लीकेशन फॉर्म के 7 सेक्शंस हैं. फर्स्ट सेक्शन में पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेकेंड सेक्शन में डिटेल्स ऑफ रिलेशनशिप विद बैंक. जिस बैंक को आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर आपके उस बैंक के किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई रिलेशन है तो वो आपने यहाँ पर बताने हैं. थर्ड नंबर पे आपने कोर्स के पर्टिकुलर्स डालने हैं जिसके लिए आपको लोन चाहिए. फोर्थ में आपको कोर्स की कॉस्ट बतानी है और ये बताना है व्हाट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस, आप अपने लोन को कैसे चुकाएंगे. फिफ्थ में आपको सिक्योरिटीज की डिटेल्स देनी है जो कि आप ऑफर करेंगे एज अ सिक्योरिटी फॉर टेकिंग द लोन. फिर आपने ये बताना है कि आप
कोर्स कंप्लीट करने के बाद अर्निंग कैसे करेंगे ताकि आप लोन को रीपे कर सकें और फिर आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। आप अपने नाम भरेंगे, अपने पेरेंट्स के नाम भरेंगे, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी डिटेल को भरने के लिए कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आप मदद ले सकते हैं। Then in the second section, you have to tell if you are related to any of the employee of the bank to which you are applying for a loan. फिर आपने बताना है कि आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है, अगर आप किसी कोटा में आते हैं, वो सब चीजें आपने यहाँ पर बतानी है। जब आप अपने कोर्स की कॉस्ट बताएंगे तब आप ये भी बताएंगे कि कितना लोन अमाउंट आपको चाहिए। आप टोटल कॉस्ट भी ले सकते हैं, आप एक पार्ट भी ले सकते हैं एज अ लोन। तो ऐसे आपने टेबल में फिल करनी है सारी डिटेल्स अपने लोन की। अगर आप 4 लाख से ज्यादा का लोन ले रहे हैं तो आपको कोई भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी एजुकेशन लोन लेने के लिए, और उस सिक्योरिटी की डिटेल्स आपने यहाँ पर देनी है। और फिर आपने बताना है कि कोर्स खत्म करने के बाद आप अपने एजुकेशन लोन को रीपे करने के लिए क्या फोर्सी कर सकते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ अर्निंग यू विल बी मेकिंग, तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स उसी तरह से बनाई जाएंगी। So these are all the documents that you need to upload. You have to upload your mark sheet. You have to upload the proof of admission to the course. आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है, आपकी एडमिशन लेटर है जो वो भी अपलोड होगी। Then the schedule of expenses of the course. कब कब कितने कितने पैसे आपने फीस के तौर पर पे करने हैं वो आप बताएंगे। Then if your parents are a guarantor, they are co-borrowers, then you have to give their proof of income or assets. और अगर वो salaried हैं तो उनका salary certificate भी attach होगा। अगर वो business करते हैं तो उनकी income tax returns की जो latest copies हैं वो भी attach होंगी। ये सब चीजें optional हैं depending on the kind of loan you are taking. If your parent is a guarantor, then you have to give all these documents. Some important guidelines are that you should keep checking your dashboard and your registered email address to get updates about the loan application. आपके loan application का क्या status है वो आपके dashboard पे यानी कि विद्यालक्ष्मी portal पे जब आप login करेंगे वहां पे भी show होगा और आपको email में भी message में आ जाएगा। तो जब आप अपना details डालते हैं आपका जो mobile number है वो valid होना चाहिए ताकि आपको विद्यालक्ष्मी portal के द्वारा कोई भी bank contact कर सके। Before applying for an education loan, please go through all the loan schemes that are available. Now, if you have applied for a loan less than 7.5 lakh rupees, then you have to respond to the bank's queries within 15 days. And if you have applied for a loan for more than 7.5 lakh rupees, then you have to respond to the bank within 30 days. Otherwise, aapki application ko close kar diya jayega. Ab humne sari instructions padh li hain, to ab hum एप्लीकेशन का फर्स्ट स्टेज करते हैं, दैट इज गिविंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दो कॉलम्स हैं, एक है स्टूडेंट का और दूसरा है पेरेंट या हस्बैंड का जो कि को बोरोअर है। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स डालेंगे और यहाँ पर आप अपने किसी भी पेरेंट की यानी कि मदर, फादर या फिर हस्बैंड की डिटेल्स डालेंगे। यहाँ पे आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालेंगे, यहाँ पे आप अपने मार्क्स डालेंगे जो कि आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में ऑब्टेन किए हैं, यहाँ पे आपने ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करनी है। और जब आप पेरेंट या हस्बैंड की ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे तो अगर वो अनएम्प्लॉयड है वो भी एक ऑप्शन है जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अर्निंग होने चाहिए। यहाँ पे आप इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज डालेंगे, डिजिट्स में लिखना है, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो आप जीरो लिख सकते हैं, और आपके पेरेंट या को बोरोअर की जितनी भी अर्निंग है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। पैन नंबर और आधार नंबर ऑप्शनल है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप उनके नंबर्स यहाँ पर डाल सकते हैं। स्टेट में आप सिलेक्ट करेंगे आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी जो रजिस्टर करते वक्त डाला था वो ऑटोमेटिकली आ गया है। आप अपने ईमेल आईडी को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए फर्स्ट टाइम ही वही ईमेल आईडी डालिए जो कि आप रेगुलरली चेक करते हैं। स्टेप टू में आप बैंकर डिटेल्स डालेंगे, आपका जो भी बैंक है आप उसका आईएफएससी कोड यहाँ पर डाल देंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, कौन सी ब्रांच में अकाउंट है वो लिखेंगे। तो
इन एजुकेशन लोन्स के लिए अगर आप विद्यालक्ष्मी पोर्टल द्वारा अप्लाई करना चाहते हैं, यू मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट वन अकाउंट इन एनी बैंक. ऐसा नहीं है कि आपने उसी बैंक से लोन लेना है जिसमें आपका अकाउंट है. यू कैन टेक अ लोन फ्रॉम एनी बैंक, बट यू शुड हैव अ बैंक अकाउंट. तो आप अपने बैंक की सारी डिटेल्स यहाँ पर डाल देंगे. व्हाट इज द टाइप ऑफ अकाउंट विच यू आर होल्डिंग, यहाँ पे आपने ये बताना है इफ यू आर रिलेटेड टू एनी एम्प्लॉय और चेयरमैन और डायरेक्टर ऑफ एनी बैंक. किसी भी बैंक के किसी भी एम्प्लॉय, डायरेक्टर या चेयरमैन से अगर आप रिलेटेड हैं, तो आप यस क्लिक करेंगे और वो डिटेल्स यहाँ पर डाल देंगे. देन यू हैव टू सिलेक्ट द कोर्स फॉर विच यू वॉन्ट एजुकेशन लोन. Here you have to give the cost of the course. Year wise आप ये बताएंगे कि ट्यूशन फीस कितनी है, एग्जाम फीस कितनी है, स्टेशनरी के लिए क्या अमाउंट रिक्वायर्ड है, कोई कंप्यूटर अगर आपको चाहिए उसकी कॉस्ट आप यहाँ डाल देंगे, हॉस्टल एक्सपेंसेस, एनी ट्रेवल एक्सपेंसेस, और आप सबका टोटल यहाँ पर कर देंगे. और फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि आप अपने सोर्स से कितना अमाउंट देंगे और स्कॉलरशिप से आपको कितना अमाउंट चाहिए, और फिर आप ये बताएंगे कि कितना लोन चाहिए. यहाँ पर अगर आप कोई सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं लोन लेने के लिए, उसकी डिटेल्स आप दे देंगे. यहाँ पर आपने ये बताना है कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स में आप अपने लोन को रीपे करेंगे और पर मंथ आप कितनी इंस्टॉलमेंट्स में लोन पे करेंगे. ये जो रीपेमेंट का शेड्यूल है ये एजुकेशन के बाद शुरू होगा. देन हियर यू हैव टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स. आप अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे, एडमिशन लेटर अपलोड करेंगे, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी आप पे अप्लाई होते हैं वो सब आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं. नाउ हियर यू कैन सर्च फॉर द लोन स्कीम. एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप सिर्फ मैक्सिमम 3 बैंक्स में अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी एक बैंक की एक ही स्कीम के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जब आप ये सब चीजें सिलेक्ट करेंगे कि आप कहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, इंडिया अब्रॉड, फिर आप क्या कोर्स करना चाहते हैं, आप कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं, उससे रेलिवेंट जितनी भी लोन स्कीम्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी. तो आप किसी भी बैंक की लोन स्कीम की डिटेल्स देख सकते हैं. अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं. आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं. द प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर एजुकेशन लोन हैज बीन मेड वेरी इजी. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.successcds.net.